नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। आज खबर जो पूरे देश में छाई हुई है उसको लेकर, दरअसल जो मामला श्रद्धा करके एक लड़की की हत्या की गई है, निर्मम हत्या की गई है, उसके तार वसे से जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में जो हत्याकांड सामने आया जिसमें आरोपी आफताब पूनावाला पकड़ा गया है, वो आफताब पूनावाला भी वसई का ही रहने वाला है। वही मृतका श्रद्धा, 26 वर्षीय मृतका, वो भी वसई की ही रहने वाली है। वसई के जीजी कॉलेज से कुछ ही दूरी पर सटे संस्कृति बिल्डिंग में मृतका वहां रहती थी, मृतका परिवार वहां रहता था। और आफताब वसई के दीवान मान अंतर्गत एक सोसाइटी, यूनिट पार्क सोसाइटी में रहता था। इन दोनों में, ये दोनों ही मलाड में एक साथ कॉल सेंटर में काम करते थे, वहां इनकी पहचान हुई। और वहां पहचान के बाद ये लोग दोनों लिव इन में रहने लगे, इनका मोहब्बत हुई, प्यार हुआ और लिव इन में रहने लगे। दोनों के परिवार को इनका लिव इन में रहना पसंद नहीं था, इसीलिए इन्होंने वसई छोड़कर नायगांव में कुछ समय बिताया और उसके बाद नायगांव से ये लोग सीधा दिल्ली चले गए। दिल्ली जाने के बाद श्रद्धा अपने सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती थी और कहीं ना कहीं पोस्ट करती रहती थी। पिछले कुछ समय से श्रद्धा की पोस्ट अपने सोशल मीडिया पर आना बंद हुई। उसके बाद श्रद्धा के पिता को ये अंदेशा हुआ कि कहीं कुछ गड़बड़ है, तो उसने वसई पुलिस स्टेशन, मणिपुर पुलिस स्टेशन में श्रद्धा की गुमशुदगी की, अपहरण की रिपोर्ट दर्ज करवाई। और उसको फॉलो करते हुए पुलिस ने जब डिटेल दिल्ली भेजा, क्योंकि श्रद्धा के पिता को यह मालूम था कि दोनों दिल्ली में साथ में थे, आखिर बार सोशल मीडिया पोस्ट जो थी वो दिल्ली से की गई थी, तो उन्होंने उसी आधार पर पुलिस को शिकायत की थी। बाद में श्रद्धा के पिता खुद दिल्ली गए और वहां पर पुलिस ने श्रद्धा के पिता के बताए अनुसार आरोपी आफताब को गिरफ्तार जब किया, और जो कहानी सामने आई जो आज चर्चा का विषय देशभर में बनी हुई है, काफी जघन्यतम हत्याकांड। आफताब ने यह कबूल किया कि उसने श्रद्धा का 6 महीने पहले कत्ल किया, और कत्ल करने के बाद आफताब ने उसकी बॉडी के 1 नहीं 2 नहीं 36 टुकड़े किए। कुछ दिनों तक रोज रात को 2 बजे आफताब घर से निकलता और आज एक टुकड़ा यहां एक टुकड़ा वहां, इस तरह से बॉडी को वो अलग अलग जगह पर डंप करता रहा। इस तरह से 6 महीने पहले इस हत्याकांड को अंजाम देकर आफताब ये समझने लगा कि वो शायद बच निकलेगा, लेकिन कहते हैं कि ऊपर वाला है उसका इंसाफ काफी बड़ा होता है, तो उसी का ये नतीजा था। इस तरफ श्रद्धा के पिता ने जब शिकायत की, और वो शिकायत का पूरा जैसा मैंने अभी पहले बताया कि उसकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने आफताब को गिरफ्तार कर लिया और आज आफताब सलाखों के पीछे है। हमने इस मामले को लेकर श्रद्धा के परिवार वालों से मुलाकात करने के लिए श्रद्धा के घर का रुख किया, लेकिन वहां घर बंद मिला, कोई मिला नहीं। जबकि आफताब की सोसाइटी जहां आफताब रहता था वहां हम विजिट ने जब विजिट की, तो वहां के सेक्रेटरी ने आफताब के बारे में जो जानकारी दी वो आप आगे वीडियो में देखेंगे। साथ ही साथ इस मामले पर वसई मणिपुर पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई ने जो कुछ कहा वो भी आगे वीडियो में देखिए। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। दोस्तों, इस समय हम खड़े हैं वसई के यूनिट पार्क कोऑपरेटिंग हाउसिंग सोसाइटी के वहां। आज देश भर में एक मामला काफी चर्चा में है, दिल्ली का मर्डर केस। दिल्ली में जो मर्डर केस डिटेक्ट हुआ है एक श्रद्धा करके वसई की रहने वाली लड़की का, आफताब नाम के एक लड़के ने मर्डर किया और 35 टुकड़े करके, उनकी बॉडी के 35 टुकड़े करके अलग अलग जगह डाला है। वो इसी आफताब जो आरोपी है वो इसी बिल्डिंग का रहने वाला है, इस बिल्डिंग पे 3रे माले पर रहता था। हमारे साथ में अब्दुल्ला खान जी है, ये इस बिल्डिंग के सेक्रेटरी है। इनसे थोड़ी चर्चा करते हैं इस बारे में कि आफताब का व्यवहार कैसा था और क्या कुछ है। अब्दुल्ला खान जी, नमस्कार। नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे, आफताब जो है जिसने इतना बड़ा जघन्यतम हत्याकांड किया है, तो आपकी बिल्डिंग में कितने साल से रहता था, आप उसको कितने साल से पहचानते थे? एक्चुअली वो तो 15 साल के ऊपर, काफ़ी समय से रह रहे हैं वो लोग, और तब से हम लोग जानते हैं, लेकिन अभी वो 2 साल से फिलहाल तो यहाँ नहीं रहता था लड़का। 15 साल से रहता था, उसका नेचर किस तरह का था? नेचर एक्चुअली बिल्कुल शांत स्वभाव का था, किसी से आज दिन तक बिल्डिंग सोसाइटी के अंदर तो झगड़े वगैरह नहीं किया। हाँ, उनके घर में अक्सर आए दिन बोले तो हफ्ता 15 दिन में कभी ना कभी कुछ ना कुछ झगड़ा होता था। अच्छा, 2 साल से आप बोल रहे हो कि वो यहाँ नहीं रहता था,
यानी 15 साल से, तो 2 साल से उसके माँ बाप और सब परिवार, हाँ, वो लोग थे। वो आज की तारीख में यहाँ रहते अभी? नहीं नहीं, वो अभी यहाँ नहीं है, 15 दिन पहले यहाँ से बॉम्बे साइड कहीं गए हैं और ये घर को रेंट में देके गए। यहाँ पे जो इस तरह से इसका प्रेम प्रसंग था, उसके बारे में किसी को जानकारी थी कि उसने दूसरी लड़की से इस तरह से प्रेम प्रसंग, लिव इन में वो रह रहा है? नहीं 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 नहीं, ये बिल्कुल किसी को आइडिया नहीं था। और क्या किसी ने, आज जब आपने ये सुना तो आपको विश्वास होता है कि आपकी बिल्डिंग का कोई एक लड़का है वो इस तरह का कांड कर सकता है? बिल्कुल विश्वास नहीं होता। हम सब लोग को बहुत शॉक लगा सुबह का न्यूज़ देखने के बाद, एकदम शॉक टाइप लगा, बोले तो ऐसा कैसा कर गया, क्योंकि अच्छी रॉयल फैमिली है, ऐसा कुछ नहीं, पढ़े लिखे लड़के है, ग्रेजुएट किया हुआ लड़का है, और इस तरह हम लोग तो बिल्कुल सपने भी नहीं सोच सकते कि ऐसा कर गया। आपका नाम? मैं ट्रेजरर हूँ, सुरेश काठबंदे मेरा नाम है। और जी, मैं यहाँ पे कम से कम 2005 से रह रहा हूँ, और वो जो अमीन भाई जो है, अमीन पुना वाला, वो हमारे से के हमारे खुद सोसाइटी के मेंबर है, सोसाइटी मेंबर है। तो उनका पिताजी का स्वभाव अच्छा था, हमेशा वो हमारे साथ में कमेटी में कभी भी आते थे तो हर जगह में काम करने के लिए आगे आते थे, तो उनका स्वभाव तो अच्छा था। बाकी उनके घर में जो होता था वो कभी हमको पता नहीं चला कि उनका क्या है क्या नहीं। एक इंसानी ह्यूमन आदत कह सकते हैं कि कभी झगड़े में लड़ाई हुआ उसमें एक किसी का गलती से मार दिया जाए वो चीज़ अलग है, लेकिन यहाँ जघन्यतम तरीके से मार के पूरी प्लानिंग करके उस बॉडी को डिस्पोज किया गया, क्या वो इतना हद तक क्रूर था क्या वो लड़का? नहीं, ऐसा तो कभी हमने देखा नहीं। वो जब भी आता था सोसाइटी में कभी किसी से ज़्यादा घुलता मिलता नहीं, अकेला रहता था, अपना आता था निकल जाता था, कभी किसी के साथ झगड़ा नहीं देखा, कुछ नहीं उसका इधर देखा। बाकी बाहर क्या करता होगा वो पता नहीं, बाकी सोसाइटी में वो नेचर उनका पिताजी का हो या उनका उस लड़के का हो वो शांत था। बाकी घर में उनके थोड़ा चलता था, आवाज़ें आती थी घर में से झगड़े का वगैरह, कभी आजू बाजू वाले को तो बोलते थे कि घर में झगड़ा है। आपस आपस में कभी कभी लड़ते थे? हाँ, वो दो भाई थे। हाँ, दो भाई बहन नहीं है। तो ये हम बात कर रहे थे अभी ये बिल्डिंग के सेक्रेटरी और चेयरमैन से, ट्रेजरर से, और इन्होंने पूरी जिस तरह से जानकारी दी, कहते हैं कि अपराधी की क्या मनोदशा होगी, क्या उसकी सोच होगी, किसी कोई वहाँ पहुँच नहीं सकता है, कब न जाने किसके दिमाग में क्या है और क्या कर सकता है। इन्होंने कहा 15 साल से उसको जानते थे, लेकिन ये आज शोक हो गई कि उसने इतनी जघन्यतम वारदात अंजाम दी। तो कहीं ना कहीं ये जघन्यतम अपराध के बाद अब कानून उसे सजा देगा ही, और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी भी चाहिए ताकि लोगों में कानून को लेकर एक भय बने और आगे इस तरह के कांड नहीं हो। अभी अभी के लिए इतना ही। वसई से यूसुफ अली। हम साथ में रहते थे, छतरपुरा पहाड़ी एरिया जो दिल्ली का एरिया है वहाँ रहते थे, लेकिन वो लड़की का मैंने झगड़ा हो गया, किसी वजह से लड़की मुझे छोड़ के चली गई है, और वो लड़का इतना बोल्ड बात करता था और हर बात अलग अलग बात करता था, तो हमें भी थोड़ा डाउट लगा कि हर बात उसकी डिफरेंट आ रही है, विसंगति आ रहे है। और लेकिन ये तो अनलेस हुआ कि ये बंद फोन में बंद है, तो हमने सब ये जो बातें हैं हमने सीनियर हमारे जो ऑफिसर है, सीपी सर है, डीसी सर, उनको हमने ये सब बता दिया कि ये किधर ना किधर थोड़ा अपने को डाउटफुल लग रहा है कि लड़की किधर गई, वो बता नहीं रहा है, लड़की तो झगड़ा करके बता रही है और उसका डिटेल्स नहीं मिल रहा है और फोन भी बंद है, और वो ज्यूरिडिक्शन हिसाब से श्योरली को रहता था कि नहीं रहता वो भी जरूरी था, वो हिसाब से फिर हमारे सब वरिष्ठ अधिकारी उन्होंने डिसीजन लिया कि भाई ये मिसिंग ट्रांसफर करना जरूरी है, साथ ही साथ हकीकत में दिल्ली रहता है नहीं रहता है वो भी डिटेल्स जरूरी है। थोड़ा वो डिटेल हमारे पास आया था एनालिसिस के हिसाब से कि वो उसका लोकेशन वहाँ का था दिल्ली का, तो हमारे सानप साहब और उनका टीम है ये सब पूरा पेपर हमने उधर भेज दिया, इनिशियल जाके उन्होंने वो वापस उनका एक बार एनालिसिस किया उसका मोबाइल का, तो उधर का लोकेशन था, एरिया डिमार्केट किया बराबर, वहाँ का प्रिलिमिनरी इंक्वायरी किया तो उधर रहता था वो भी मालूम किया, फिर वहाँ के जो सीनियर ऑफिसर थे उनके जाके उन्होंने सब डिटेल्स ब्रीफिंग किया वो सीनियर ऑफिसर से, और उन्होंने बोल दिया कि भाई ऐसा सब मैटर है और लड़की 2-2.5 महीने से उसका मोबाइल बंद है और यहाँ पे कुछ ना कुछ डाउटफुल लग रहा है कि ये लड़की के बारे में, क्योंकि वो लड़का हर बार स्टेटमेंट चेंज करता है, तो हिसाब से वो सीनियर ऑफिसर वहाँ के उन्होंने भी उसका कॉग्निटिव और इमेज उनको ये फाइल में उनको लेके उधर जो लोकल पुलिस स्टेशन है मेहरोला पुलिस स्टेशन वहाँ उनको भेज दिया, वहाँ हमारे साहब ने उधर भी ब्रीफिंग किया और वहाँ का ऑफिसर लोकल टीम, यहाँ का हमारा स्पेशल ऑफिसर, हमारा टीम ये जॉइंटली उन्होंने जाके एड्रेस वेरीफाई किया, वहाँ पे वो जो बेटा अफ्ताब पुना वाला था उसको लाया पुलिस स्टेशन में, वहाँ भी उसका इंक्वायरी किया और जो भी डिटेल्स है वो साहब ने उधर जॉइंटली किया, और वो मालूम पड़ा कि उन्होंने उसका कहीं ना कहीं उसका जाके उधर। सर, ये मर्डर इसने क्यों किया और कब किया था? अभी डिटेल्स मर्डर कभी किया और कैसा किया कि किधर किया ये हम नहीं बोल सकता, क्योंकि वो जो इन्वेस्टिगेशन अभी है वो दिल्ली पुलिस कर रहा है, पिताजी का एफआईआर दाखिल किया उन्होंने
उसका ये किया, लेकिन ये पक्का है कि मई 2022 से कहीं ना कहीं ये बीच में जो टाइम गया वो मोबाइल उसका बंद है, फेसबुक बंद है, बैंक का अकाउंट सब ट्रांजेक्शन क्लोज है, उस वो मई महीने से टिल टुडे कहीं ना कहीं मर्डर उसका किया है। उसने मालूम पड़ रहा है कि कई टुकड़ों में उसके लाश के कई टुकड़े किए गए, कुछ मालूम पड़ रहा है? अभी दिल्ली पुलिस के बारे में डिटेल्स बता रही है, और वो जब दिल्ली पुलिस बता रहे तो हिसाब से वो लोग बोलना सही रहेगा, क्योंकि वो उनका इन्वेस्टिगेशन वही कर रहे हैं, तो मैं बोलना उचित नहीं रहेगा। वो लोग अब डिटेल वो दिल्ली पुलिस अब हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।